दोस्तों पंजाब दे विच लगातार जो बुद्धिजीवी लोग हैगे ने भावें अलग अलग वह संस्थावां दे नाल जुड़े हुए हैं समय समय तो उपराले करते रहते हैं कि क्यों ना असं इंटलैक्चुअल वर्ग जोड़ के किहो जी संस्था कुछ ग्रुप खड़ा कर सकी जो सरकार के मुकाबले पंजाब के लोगों का सोशल तौर पर लोगों के विचरे तो भला करे इदा का एक उपराला मैं पंजाबी मंच के तौर पर आर एस बैंस होर की अगवाई के चंडीगढ़ के होया जिद तमाम वह लोग जिन्होंने आप लगातार सोशल मीडिया से बोलते हुए सुनते हैं जिन्हों का नाम बुद्धिजी वर्ग च आउंदा उन्होंने रहमनाई हेठ एक गल चली कि असी लोगों के लिए लड़ांगे इस मसले पर गलबात करने के लिए साढ़े नाल आर एस बैंस ने उगे वकील ने लगातार बोलते भी रहिंदे ने सिख मसलों के उत्ते बोलते हैं सोशल मसलों के उत्ते बोलते हैं। बैंस साहब बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा लोक रण ते जी। बैंस साहब जो उपराला अज किया गया इस उपराला किदां दा उपराला होगा किदां दा इह ग्रुप होगा कम करन दी इसकी कार्यविधि की होगी? एक ग्रुप तो स्पॉन्टेनियसली बन गया क्योंकि सारे रिटायर्ड आप जिन्हों मिलते रिटायर्ड वीसी जिदा जोड़ा है ओलक साहब कृपाल सिंह ओलक रिटायर्ड वीसी डी जी पी एम बी एस ओलक भी जिन्हें भी असी पब्लिक सर्वेंट्स को मिले हेल्थ डिपार्टमेंट तो रिटायर्ड सब की एक ही प्रॉब्लम सी कि ईवन पुलिस ऑफिसर की भी कि जोड़ा डिले है जुडिशरी का वो करके सारे डिपार्टमेंट्स का काम खराब हो रहा। असी साढ़े तो सवाल पूछा जाता कि असी पार्ट ऑफ जुडिशरी हैं असी सारी उम्र वकालत की है इस रहे हो बिच रहे तो साढ़े तो पूछते सी कि कारण की है। अल्टीमेटली जो लगता कि कारण यह है कि जोड़ा सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजिज है उ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि हाई कोर्ट के संविधान के उन्होंने इन्ना ट्रस्ट किया है हाई कोर्ट के जजा तो सुप्रीम कोर्ट के जजा से कि सारी जी जुडिशरी इंडिपेंड करके एग्जीक्यूटिव तो सारी पावर हाई कोर्ट में दी हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट को सारे थले जजा की अपॉइंटमेंट पावर है उन्होंने डिसिप्लिनरी पावर है उन्होंने सारा कुछ दस सद उन्होंने कंट्रोल कर स जो जज नहीं काम करता उन्होंने बाहर कट सद इमीजिएटली किसी सरकार तो कोई परमिशन नहीं लेनी पैंती जिते हाई कोर्ट को इन्नी पावर हो फिर थले पेंडेंसी कि रह रही है फिर पटेंसी कि रह रही है फिर ईमानदारी क्यों नहीं हो रही फिर उत्थे क्यों लोग कह रहे कि पैसे लैके फैसले होंगे ने यह सारिया गलों हाईलाइट करने लिए अज का सैमीनार बनाया और एक फोकस किया कि एक ड्रग केस पांच साल तो हाई कोर्ट को पेंडिंग है वो रिपोर्टा आ चुकी हैं वो सील्ड कवरेज रखा हुआ है सपोर्टा एक पुलिस अफसर ने बनाई हुई हैं नैक्सस कहें दसा जाता वो कि है क्यों नहीं पब्लिक करते फैसला करो यू फोकस बनाया बट सा मेन फोकस था लोगों का ज हाई कोर्ट का ध्यान दवाना है कि पेंडेंसी जी है थोड़ी ऑफ केसिस कोर्टा में वो लोगों का विश्वास खोया जा रहा है। यही सवाल मेरा अगला बैंस साहब के आखिर किड़े वह कारण बने अज के समय के संदर्भ आपां देखते हैं कि जिते न्यायपालिका एक वड्डा इंसाफ का मंदिर समझा जाता सी वह इंसाफ का मंदिर कितना कितने लोगों अज शक हो लग पाया वड्डे कारण आप कि मन सकते हैं ये सब तो वड्डा कारण है कि फैसले ना होना क्योंकि जो फैसले नहीं होंगे देखो हर हर केस में दो तरह होंगे एक होंगे हेराफेरी करने वाले एक होंगे जिन्हें हक मारिया होंगे एक होंगे जो हक मारिया गया एक होंगे विक्टिम तो एक करन वाला होंगे जुलम चाहे क्रिमिनल केस है चाहे सिविल केस है किसी ने सिव दूजे का हक मारिया होंगे सो केस का जो एक साइड है उन्होंने तो बड़ा फायदा डले का वो तो खुश है जुडिशरी तो जिन्हें किसी का हक मारिया है और दूजे ने केस किया वो खिलाफ और जिन्हें मारिया उन तक कोई नहीं जिन्हें थोड़े घर से कब्जा कर लिया जो उन्होंने 30 साल तक कब्जा नहीं लै सकते उन तक कोई नहीं सू खुश है वो तो बहुत खुश है बट जो विक्टिम है वो तो आत्महत्या करनी पैंती गल हो जाती है थोड़े बलात्कार के केस जो पूरे नहीं होए तो जना कुड़ी किमें जीवेगी जो सामने तुरे फिरे उन्हें जमानत लैके तो जोड़ा विक्टिम है अद्धे बंदे जोड़े है वो तो बहुत दुखी है और सारा डिले कि हेल्प कर रहे हैं क्रिमिनल्स को क्योंकि क्रिमिनल के उन्होंने सजावं देनी अदालत ने कब्जे दवाने वापस अदालत ने जेडे सारे माफिया ने उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन मोनीटर करना अदालत ने तो जे अदालत डिले कर दी हर फैसले तो सब को फायदा किड़ा हो रहा जेडे समाज में बुरे काम कर रहे हैं ज बुराई दे नुमाइंदे ने तो उन्होंने फायदा हो रहा जुडिशरी की इनएफिशिएंसी का। ये तो फिर कदम किसी तरह की कोई सजेशन कमेटी नहीं बैठी हैगी थोड़े वालों किसी तरह का कुछ सजेस्ट किया गया होदा का भी हाँ ज किसी कंट्री उदाहरण होदा कर सकते हैं जिहड़ी लॉ कमीशन है साढ़े बहुत हज़ारां तरह के सुजैशन आए हुए मगर सुजैशन पार्टली तो साढ़े मुल्क एक ट्रेडिशन है कि सरकार चाहती नहीं कि जुडिशरी इफेक्टिव होवे बड़े साल तक हाले भी सरकार तो दे सकते लॉ मिनिस्टर की कह रहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का की जवाब दे रहा जिहड़ी टेंशन होवे डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन वो एनिमिटी नहीं होंगी सरकार चेक करना सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का काम है
मगर सरकार इस गल तो नाराज़ हो जाए कि थोड़ा सा सानू चैक कर दो साढ़े फैसले तुम अनकॉन्सटीट्यूशनल कह रहे हो तो वह दुर्भाग्य ही है। तो जो सरकार का मकसद ही नहीं है कि जुडिशरी इफेक्टिव हो तो कानून ही नहीं बनाती जिंदा जस्टिस सिस्टम सिंपलर हो सकता। सब तो वड्डी प्रॉब्लम तो उत्थे है कि सरकार की जिहड़ी जिहड़ी प्रणाली है कानून बनाउंदी, क्योंकि अल्टीमेटली जुडिशरी ने कानून नूं इंप्लीमेंट कराउणा। पर्सनल रिलेशनशिप मैटर रखदी है इहदे च कितना किते? पर्सनल रिलेशनशिप तो चलो हर जगह मैटर करती है, बट पर्सनल रिलेशनशिप तो इंसाफ की गल होंगी जो डिस्पो उदो तो नहीं रखनी चाहिए। थ्योरी भी तो नहीं होंगी, बहुत सारे जज बिल्कुल ठीक है। त्रासदी मन सकते हैं जब आप कि जो निजी रिश्ते ने उसकी बुनियाद के उत्ते ही सब कुछ अगे बढ़ रहा समाज के राजनीतिक तौर पर। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ बढ़ रहा, बट सर्टनली अजकल वह जे केस ज़्यादा आ रहा है जितने शक पैंदा है कि ये पूरी ईमानदारी ना फैसले नहीं किए गए, और क्योंकि लोग इन्ने किस्से सुना लग पाए, कोई लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे ने, कोई मिडल मैन उन्होंने तो पूछ रहे हैं कि मैं करवा दूंगा, इदा के बंदे इन्ने वध गए कि लोगों का विश्वास तो घटन लग पाया। हालांकि बिल्कुल ठीक है कि जिन्हें रौला पै रहा उन्ना कभी नहीं है, जुडिशरी हले भी इफेक्टिव है, मगर पब्लिक कॉन्फिडेंस जुडिशरी बहुत घट गया। खास करके लोग आह भी गल भी कहते हैं कि सानू इंसाफ की उम्मीद हुण घट नज़र आउंदी है संस्थावां तो संस्थावां दे विच उह सब कुछ इनकलूड करते हैं, पोलीटिकल भी कानूनी तौर के भी उत्ते है ना देखते हैं, तो वह कहें असं फिर संघर्ष करते हैं, संघर्षों के जरिए असं अपनी सरकार अगे कानून अगे असं अपनी गल रखते हैं, पर जो संघर्षों की गल आती अपना देखते हैं कि जिहड़ी फैक्टरी के अगे बैठे से उस भी सरकार वालों पुलिस तैनात करती गई, पर लोगों को अपने कहने की मतलब प्लेटफॉर्म की है गल कह का? जीरा फैक्टरी के कोर्ट का बहुत वड्डा रोल है। कोर्ट ने सरकार को कहा कि तुम 15 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराओ, क्योंकि फैक्ट्री बंद है और लोगों ने कराई है, तुम लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं किया, उन्होंने अपने बंद तनखा देनी है, उन्होंने लोन लिया हुआ है। इस ग्राउंड से हाई कोर्ट ने कहा कि 15 करोड़ रुपए जमा कराओ और तुम फैक्ट्री वाले दोगे, तो इस करके सरकार पर बड़ा वड्डा बोझ पै गया, क्योंकि फिर इन्होंने सरकार ने अपनी जान बचाने लिए उन्होंने चुकाता। मैं वो सरकार का कसूर घट मानता, किसान दस एको कसूर है कि सरकार को चाहिए सी कि इमीजिएटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कह के ये साबित लोगों को कन्विंस कर दे कि ज़्यादा पोल्यूशन है या पोल्यूशन नहीं है। जे पोल्यूशन नहीं है तो लोगों को समझा सकते सी, असी भी उन्होंने सरकार के नाल होंगे, असी भी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है, बट जो पोल्यूशन कर रही है तो फिर वो फैक्ट्री में चलने का कोई हक ही नहीं, कानून देता भी कोई हक नहीं। कहती है कि असी कमेटी बना देंगे, तुम धरना चुक लो। हो गए 5 महीने हो गए है, एक दिन के एजिटेशन लोगों को जगा देना चाहिए सरकार को, 5 महीने बाद हाईकोर्ट ने जो 15 करोड़ का थोड़े लाया जुर्माना कि तुम डिपॉजिट करो, तो कितने हम जाग रहे हैं। हूँ भी किया पोल्यूशन का मुद्दा तो डिसाइड ही नहीं किया, हूँ कमेटी सोच रहे हैं, वो कमेटी की देगी? तुम सब ऑलरेडी पोल्यूशन उत्तर दिखती है, वो पोल्यूशन कोई लुकी नहीं है, सबनों दिखती है, लोगों का पानी आ रहा है, इको फैक्ट्री है उस एरिया विच। यह भी है बैंस साहब कि इनवायरमेंट बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, तो उस सेंसिटिव इशू वाल ध्यान क्यों नहीं है सरकार का, क्योंकि लोगों की सेहत के नाल तो उपर कुछ नहीं है? सेहत उत्ते कुछ है ही नहीं, हवा तो उत्ते कुछ है ही नहीं, पानी तो उत्ते कुछ है ही नहीं, थोड़े जीवन का हिस्सा है, थोड़ा राइट टू लाइफ है, ये जानते हुए भी जो सरकार अपनी नज़रअंदाज करके, क्योंकि उन्होंने को पैसा है, वो हर पोलीटल पार्टी को फंडिंग करते हैं, शराब की वड्डी फैक्ट्री है, होर कैमिकल देंगे ने, तो इस तो क्लीयर होंगे कि सरकार के नाल खड़ी है, कोर्ट के नाल खड़ा है, ये आम लोगों के हकों घट खड़ा है, तो फैक्ट्री वाले के हकों ज़्यादा खड़ा है, उन्होंने प्रॉफिट लोगों के जीन के हक तो उत्ते थोड़ी हो सकता। भी है ना अपने जो हाईकोर्ट की गल करते हैं माने हाईकोर्ट की, कि हाईकोर्ट वालों नहीं सरकार को कुछ इदा का सुजैस किया जाता भी तुम पहल सर्वे वगैरह कर लो उस बाद अपना एक्शन कर लियो? चाहिए सी असी पार्टियाँ से जवाब भी दिता से, पोल्यूशन के सबूत भी दिते है, बट हाईकोर्ट तो इस गलते बैठा है कि क्योंकि सरकार ने क्या नहीं कि पोल्यूश कर रहे, जे सरकार क्योंकि सरकारी एजेंसियां तो हाईकोर्ट का जज किन अस तो प्राइवेट बंदे हैं, साढ़े को उन्ना सबूत इकट्ठा करने की समता या सुविधा नहीं हैगी, पर सरकार को सारी मशीनरी है, जे सरकार ये तथ्य पेश करता हाईकोर्ट को, पर सरकार को हाईकोर्ट तो जाने की लड़ ही नहीं, सरकार को सीधी पावर है फैक्ट्री बंद कराने। जे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिहड़ी परमिशन है फैक्ट्री चल रही है, जो कहता कि पोल्यूशन हो रही है तो नाल बंद करा सकता, बिजली बंद करा सकता, तो इस करके सरकार का कसूर बहुत ज़्यादा ना, कोर्ट तो ज़्यादा सरकार का कसूर बहुत ज़्यादा है कि तुम कोर्ट का तो बहाना ला रहे हो, कोर्ट ने सानू किया, जे तुम आप लाठीचार्ज करते तो सरकार का कसूर होना से, हूँ वो कह रहे जी हाईकोर्ट का फैसला, पर हाईकोर्ट का फैसला आया तो इसलिए कि तुम कोर्ट को दस्या नहीं कि उत्थे प्रदूषण हो रही है, इस फैक्ट्री का कसूर है। जे तुम ये नहीं दसते, तुम अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हदायत नहीं देंगे कि तुम ये पोल्यूशन फैल कि रही है इन्ने सालों तो, 15 साल तो तुम पानी पा रहे हो, सरकार को पूरा हक है कि उन्होंने जुर्माना लगे तो पैसे लेंदे फैक्ट्री नीलामी कर सकते, मगर सरकार ने दसिया भी नहीं, किया भी नहीं, बहस भी नहीं की,
सिर्फ टाइम मांगते रहे। उन्हें हालात फिर की करता कोर्ट, कोर्ट ने कहा कि फिर 15 करोड़ का पहला इन्होंने जमा कि सरकार सपोर्ट लेंदी हो हाई कोर्ट की उस कमेंटरी की भी असं ऐ करा सर्टनली लै रही है सपोर्ट उन्होंने ले भी है हूँ चुकया वह तो लोगों से गुस्सा सीधा सरकार के खिलाफ ना हो तो कोर्ट के वल धक्ना चाहती है मगर सच यह है कि जे कोर्ट को दसया जाता जे कोर्ट को दसया जाता कि पोल्यूशन फैल रही है तो कोर्ट ने कभी ऑर्डर करना नहीं सी। आखिरी सवाल मेरा एक गल बड़ी चलती है कि जो सामने मीडिया से दिखता हों सब कुछ उदा नहीं होंगे है पिछले कुछ होर काम कर रही होंगे ने हर एक मैटर के मगर जो दिखता वो तो बोलीए तो अस तो इन्ने कह रहे कि जो सानू दिख रहा असं गलत भी हो सकते हैं बिल्कुल ठीक है असं गलत हो सकते सानू नहीं पता सानू विजिबल पोल्यूशन दिख रही है जीरा फैक्ट्री के बेबी वो नहीं है मगर जेड़ा डिपार्टमेंट थोड़े है इन्ने 15 साल तो काम कर रहे उन्होंने क्राइमेंस तो बगैर और फैक्ट्री वाले आप कहें जो कहें कि तुम अपनी एस टी पी ना चलाओ ट्रीटमेंट प्लांट ना चलाओ सानू पैसे दे जाओ ये सारे इंडस्ट्रीज कहें पंजाब के ताइयों छड़ के जा रहे हैं बड़े इंडस्ट्रीज पंजाब तो छड़ के चले गए करप्शन ऑफ द सरकारी मुलाजम बिल्कुल गलत है ये कहदा विकास है जे पानी कहता तो कहदा विकास है जीवन ही खत्म हो जाए विकास तो ताइए ना जीवन हैल्दी जीवन तो बगैर उत्ते कोई विकास नहीं होंगे बंदा का विकास होंगे जमीन का थोड़ी विकास होंगे जमीन के रेल लाइन कट दो फैक्ट्रियां खड़िया कर दो विकास उ गलत है ये जो विकास का मॉडल है एक्सप्लोइटेशन का मॉडल है हर जगह पता लग चुका है जेड़ा जेड़ा आप कहने तुसी फैक्ट्रियां लाने का मॉडल है जे फैक्ट्रियां भी थोड़ी सेहत खराब हो रही है तो फिर कोई मॉडल नहीं जे थोड़े स्कूलों ना पढ़ाई खराब हो रही है प्राइवेट स्कूलों ना तो फिर कहदा मॉडल है जेड़ा जिन्हों आप ह्यूमन इंडेक्स कहने वो तो सब तो पहले देता लोगों की सेहत फिर लोगों की लॉन्गेविटी लाइफ एक्सपैक्टेंस फिर लोगों का एजुकेशन लैवल फिर लोगों की अवेयरनैस फिर लोगों की जी जिन्हें पिंड प्लेग्राउंड्स किन्ने बच्चे शाम को खेलन जाते हैं किन्ने बच्चे डिबेटा में पार्टिसिपेट करते हैं ये होंगी डिवेलपमेंट आही फैक्ट्रियां थोड़ी शराब दी फैक्ट्रियां डिवेलपमेंट एजेंडा ही आम आदमी पार्टी लैके अगर जा रही थी सेहत सब तो पहला तो एजुकेशन सब तो पहला हूँ सेहत से ही फर्क पार्टी तो यकीन दवाना कि एक चीफ मिनिस्टर तुम चुने तो ठीक करेगा हर रोज़ चीफ मिनिस्टर जगाना पैंता है अज का अटैम्प्ट असं जुडिशरी जगा रहे हैं हर पिंड के बच्चे लोगों हर उस जे देश के जे जो भी सरकार नवी आती है उन्होंने कंटीन्यूसली जगाना पैंता है ता ही कॉन्टीन्यूसली प्रोटेस्ट करनी पैंती है जेडे वैसटन कंट्री एग्जाम्पल दे रहे उत्थे लोग बहुत प्रोटेस्ट करते हैं उत्थे एक ऑफिशियल नूं जीन नहीं दिंदे उत्थे एम पी तुरे फिरदे डरदे लोगों तो जिदा हुण किसान अंदोलन में लीडर डरदे सी किसानां तो ते जे पब्लिक सर्वेंट साडे लोगों तो डरन लग पैन मगर साडा जिहड़ा हैगा ओप्रेसिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है साडे पुलिस नूं आपां इन्नी अधिकार दित्ते हो कि जिहनूं मर्जी गोली मार देण लाठी कर देण उहदे करके लोगों के अधिकार खत्म हो रहे हैं सरकार लग सरकार पुलिस के सिर ते राज कर रही है हर एम पी सिक्योरिटी दी क्यों क्योंकि लोग ना उन्होंने कुटन कि लोग ना उन्होंने चपेड़ा मारन कि तुम क्या की सी अज क्यों नहीं कर रहे सिक्योरिटी क्यों दी एम एल ए जो इलेक्शन जित के आए हैं पॉपुलर है मेजोरिटी उन्होंने सिक्योरिटी क्यों दे रहे हो यही कि कहते कुछ होर सी कर रहे हो होर लोगों को गुस्सा आएगा उस तो डरन लिए सिक्योरिटी लेके बैठे हो तो अदरवाइज पॉपुलर लीडर की लोड़ है सिक्योरिटी की जिदन सरकार सिक्योरिटी हटा लेगी उदन ही एम एल ए देखो फटाफट ही लोगों की गल करेंगे और सारे एम एल ए पहुंचेंगे फैक्ट्री बंद कराने लिए। अच्छा एक गल भी होगी कि लोग भी देखते हैं कि जी सियासत है स्टेट बेस से सिंबल की सियासत होगी वो कोई भी जेकर एम एल ए चोन जितने लड़ता तो घट्टो घट भी 4 से 5 करोड़ रुपये खर्चने पैदे हैं भी 80,000 तनखा दे 5 करोड़ तो नहीं इकट्ठा होंगे है फिर ना तुम फिर ना लड़ो ये जस्टिफिकेशन कि इलेक्शन मेरा पैसा लाता इसलिए हूँ मैं लुटूंगा या करप्शन करूँगा इसे मॉडल तो असं खत्म करना तुम इलेक्शन सस्ती भी जित कर सकते हो ऐसी गल नहीं आम आदमी पार्टी जी पहली इलेक्शन लड़ी से कितना पैसा खर्चा से हूँ वही काम कर रहे हैं हूँ वही एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं हूँ वही झूठ बोल रहे हैं हूँ सारा जे तुम साडा काम बोलता जे काम बोलता हों तुम इश्तहार देने की लड़ है कि झूठ है नाले इश्तहार दे रहे हो कि साडा काम बोलता काम तो बोल नहीं रहा ताही तो इश्तहार दे रहे असी इश्तहार देने का मतलब ही है कि काम नहीं बोल रहे जे काम बोलता हूँ उन्होंने कितने इश्तहार देने की लड़ है जब तक दिल्ली सरकार ने मॉडल दिता से उतना लोगों ने इंप्रेस हुए थे उद तक बिना इश्तहार तो पहली इलेक्शन कोई इश्तहार दिता से केजरीवाल ने यह तो सबसीक्वेंट इलेक्शन चक्करों में पै गए इन्होंने चक्करों में जिदा बाकी पोलीटल पार्टी पे बहस का बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों मेरे नाल जुड़े हुए थे RS बहस तुम देखते रहो थोड़ा अपना चैनल लोकरण पंजाबी। धन्यवाद।